हेलो गाइस, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के जो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो नोटिफिकेशन है UKSSE की तरफ से जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, यानी UKSSE उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में जो है 2021 में जो है इसका नोटिफिकेशन आ गया है। और 19 अगस्त 2021 को जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था। और इसका फॉर्म फिल का जो स्टार्ट होएगा 24 अगस्त, जो है फॉर्म फिल की जो है वो डेट रखी गई है। बच्चा, आप इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको A to Z जो है सारी जानकारी बताऊंगा कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रखी गई है, फीस क्या रखी गई है, SC ST वाले बच्चों को जो है कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, और सारा कुछ जो है इस नोटिफिकेशन में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और जो भी बच्चे जो है चैनल पे नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए जो है ग्रुप सी में जो है फॉरेस्ट गार्ड की जो है नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंट डेट्स रखी गई है, क्या इम्पोर्टेंट डेट्स नहीं रखी गई है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका फॉर्म का जो स्टार्टिंग होगी, फॉर्म की जो स्टार्टिंग होगी 24 अगस्त, 24 अगस्त को जो है इसकी फॉर्म की जो स्टार्टिंग हो जाएगी, और 7/10/2021 तक जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। वहीं फ़ीस की पेमेंट की बात करें तो 2 दिन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी 9 तारीख तक जो है आप इसकी फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात करें तो दिसंबर 2021 तक जो है आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। दिसंबर 2021 तक जो है आपका इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, और वहीं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC एंड EWS वाले बच्चों से जो है 300 रुपीज़ का जो है वो चार्ज लिया जाएगा, एंड SC ST वाले बच्चों से जो है 150 रुपीज़ का जो है वो चार्ज लिया जाएगा। यानी SC ST 150, OBC जनरल EWS 300 रुपीज़ का जो है वो चार्ज लिया जाएगा। वहीं देख लेते हैं एज जो काउंट की जाएगी, 1/7/2021 तक जो है आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। कम से कम आपकी एज जो है 18 से 28 के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता है SC ST को 5 साल, OBC वाले बच्चों को 3 साल, वो रिलैक्सेशन भी जो है इसमें दिया जाएगा। और वैकेंसी की बात करें तो 894 जो है इसमें वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी होती है 894। और इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज भी जो है वैकेंसी को बांट रखा है। जैसे बात करते हैं जनरल वाले बच्चों के लिए 473, OBC 126, EWS 94, SC 164 एंड ST 37 जो है वैकेंसी जो है वो रखी गई है। फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सिर्फ मात्र आपको 12वीं पास होना है, सिर्फ आपको जो है ये इसमें 12th पास होना पड़ेगा। और इसमें जो है कुछ फिजिकल का क्राइटेरिया भी है, वो मैं अभी जो है आपको आगे बताता हूँ। सिर्फ इसमें जो है आपको 12वीं पास होना है। तो वहीं इसमें हाइट की बात करते हैं तो मेल के लिए जो 163 सेंटीमीटर मांग रखा है, एंड फीमेल के लिए जो है 150 सेंटीमीटर मांग रखा है। और चेस्ट आपकी जितनी है उससे जो है 5 सेंटीमीटर जो है आपको फुलाना होगा। इन्होंने अभी ऐसा दे रखा है, इन्होंने चेस्ट ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। रनिंग की बात करें तो 25 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसमें जो है आपको 4 घंटे का जो है इसमें आपको समय दिया जाएगा। 25 किलोमीटर की रनिंग, 4 घंटे का समय इसमें आपको मिलेगा। फीमेल की बात करें तो 14 किलोमीटर की रनिंग होगी, 4 घंटे का जो है इसमें भी जो है आपको समय दिया जाएगा। इस फॉर्म का लिंक जो है वो कल से एक्टिवेट कर दिया जाएगा 23। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज 23 है, और जैसे यहाँ पे लिखा भी है 24/8/2021 तक से, तो यानी कल से जो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अभी भी जो है आप पे काफ़ी टाइम है, 7/10/2021 यानी 7/10/2021 तक, यानी 7 अक्टूबर तक जो है आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अभी आप पे बात करें तो 6-7 दिन तो अगस्त के हो गए, पूरा सितंबर हो गया, और 6-7 दिन जो है अक्टूबर के हो गए। तो इन बीच में जो है आप फॉर्म भर देना। और उत्तराखंड में अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको कई सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेगी, यानी जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए इसमें आपका, और डोमोसाइल होना चाहिए अगर आप उत्तराखंड का फॉर्म भरते हैं तो ये, और जो भी
जैसा कि पता ही होगा, जो भी आपने पहले भी फॉर्म भरे होंगे UK SSC के, तो वो जो भी आपका पहले से होगा, तो वही सारी जो है डॉक्यूमेंट आपके पास जो है होने चाहिए। कल से फॉर्म बनना जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी बचा, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी समस्या आती है इस फॉर्म को भरने में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताना कि सर आपको क्या दिक्कत है। वो जो है हमारी, मैं जो है खुद आपको जो है इसका जो है रिप्लाई दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स।